हाय फ्रेंड्स, जॉब्स करियर में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना जरूरी होता है और वो फ़ोटो और सिग्नेचर को परफेक्ट साइज में कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते हैं उसके चार चीज़ पर हमको ध्यान देना है। एक है DPI और वो फोटो और सिग्नेचर का हॉरिजॉन्टल साइज, वर्टिकल साइज और KB। तो ये DPI जो होता है, DPI कैसे सेट करता है ना, हम जब फोटो एंड सिग्नेचर को स्कैन करते हैं तो स्कैनर पे DPI सेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक फ़ोटो एंड सिग्नेचर एक साथ स्कैन किया हुआ है, तो ये फोटो एंड सिग्नेचर, लेकिन इसको अलग करना है और साइज में लाना है। तो इसके लिए इधर से ओपन इट पेंट में करना है और इसको सिलेक्शन में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करने पे फोटो सिग्नेचर करना पड़ेगा और Ctrl+C कॉपी और एक न्यू पेंट पेज करना पड़ेगा, वहाँ पर Ctrl+P पेस्ट किया जाता है। और ये सिलेक्शन जो हुआ है, अगर इस टाइम पे तुम क्रॉप करो तो साइज में आ जाएगा। कितना आसान तरीका है। और फिर इसको रिसाइज में जाना है, अब जो भी साइज किया जाता है मैक्सिमम एप्लीकेशन फ़ोटो में, जब एप्लीकेशन में जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइज मांगता है फ़ोटो का, वो होता है हॉरिजॉन्टल 140 और 110। ये मैचिंग नहीं करता है। हॉरिजॉन्टल अगर कम हो जाता है तो वर्टिकल बढ़ जाता है, और वर्टिकल बढ़ जाता है तो हॉरिजॉन्टल कम हो जाता है, ऐसा होता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो मेंटेनेंस रेशियो है ना, इसको ठीक उड़ाना है। और इस बार तुम जो भी साइज दोगे वो आ जाएगा, 140 110। ओके, फोटो आ गया। यहाँ पर सेव करना पड़ेगा, सेव कोई भी नाम दे दो, इसका जो नाम हुआ है, सपोज मिठू। और इसको JPG में सेव करना पड़ेगा, यहाँ पर पेंट लिखा हुआ है तो इसको JPG ध्यान रखेगा ये दोस्तों कि ये JPG में रखना है। और सेव कीजिए और सिग्नेचर के लिए भी सिलेक्शन टूल्स लेना पड़ेगा और इसको सिलेक्ट करो जितना जरूरत होता है। इस बार तुम यहाँ पर डायरेक्टली क्रॉप कर सकते हो, अगर यहाँ पर डायरेक्टली क्रॉप करो तो सबको जुड़ जाएगा, सिर्फ इस सिग्नेचर रहेगा। मैंने फ़ोटो पहले ले लिया है इसलिए इसका जरूरत नहीं होता है, इसलिए क्रॉप कर लिया। और इस साइज में जाना पड़े, ज़रूरत हो तो जाए। और यहाँ पर साइज नॉर्मली 140 होता है और ये होता है 110। ओके, सेव कर देते हैं। और फोटो का जो प्रॉपर्टीज होता है ये देख सकते हो, कैसे देखते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाना है और डिटेल्स यहाँ पर है। तुम यहाँ पर देख सकते हो हमने जो फोटो का साइज किया हुआ था, वाइट 140 पिक्सल और हाइट 110 पिक्सल और DPI 96 DPI। हो गया, थैंक यू दोस्तों।